एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में पीटीटी सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो अपर्ट मूवमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनका क्या स्टेटस है, और उसमें कॉलेज अलॉटमेंट के लिए क्या आगे का प्रोसेस, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो पीटीटी काउंसलिंग की जो सेकंड लिस्ट थी उसकी डेट 15/12/2020 की दी गई थी, और जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया था तो उनकी डेट भी आज ही डिक्लेयर होनी थी, लेकिन शाम तक नहीं हुई। तो अभी जैसा कि स्टेटस देख पा रहे हैं 8:55 पे जो अब न्यू अपडेट आई है उसके अनुसार यहाँ पे ये लिस्ट जारी कर दी गई है। और इससे पहले यहाँ पे केवल दो ही ऑप्शन शो कर रहे थे शाम तक, एक जो चालान ट्रांजेक्शन स्टेटस है उसका, वो रिप्रिंट कॉलेज जो इसका। तो अभी ये जो दो नए ऑप्शन हैं वो अभी ही यहाँ पे जारी किए गए हैं, ये प्रिंट अलॉटमेंट लेटर अपॉर्ड एंड वेटिंग लिस्ट का, और चेक एडमिशन स्टेटस। तो दोस्तों इन दोनों जो विकल्प दिए गए हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये किसके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर है जो जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका सिलेक्शन हो गया था और जो दूसरी कॉलेज लेना चाहते थे, तो उनके लिए ये दिया गया है, और जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था तो यहाँ से वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या अपना रोल नंबर डाल के और अपनी जो काउंसलिंग का आईडी है वो डाल के, और डेट ऑफ बर्थ, और जो आपने जो पेमेंट ऑप्शन कौन सा चूज़ किया था उसके माध्यम से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जो चेक एडमिशन स्टेटस जो सेकंड वाला विकल्प दिया है, इसमें जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आया था, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके लिए ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें भी सेम वही जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में आपने अपना स्टेटस देखा था। ये थोड़ी वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि अभी अभी ये लिस्ट जारी हुई है, तो इस वजह से सर्वर थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका जो सेकंड काउंसलिंग में है कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है, और आपको कॉलेज कौन सी मिली है। तो इसमें वही फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई थी वही प्रोसेस है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जो पहले विकल्प दिया गया था वो विकल्प हटा लिया गया था, और उस विकल्प की जगह ये नया विकल्प दिया है। तो यहाँ पे आप रोल नंबर डाल सकते हैं, और जो सेकंड चेक बॉक्स ये बॉक्स है इसमें काउंसलिंग जो आईडी आपकी सीरियल नंबर वो डाल के, और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे अपना स्टेटस दिखा देंगे कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉटमेंट हुई है। फिर जो आगे की प्रोसेस है वो आप प्रोसेस आप आगे कर सकते हैं। और ये अपवर्ड मूवमेंट का भी सेम दिया गया है, अपवर्ड मूवमेंट में भी जो अलॉटमेंट लेटर है और जो वेटिंग लिस्ट में रहे थे उन अभ्यर्थियों के लिए अपवर्ड मूवमेंट की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछें। और उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।